हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको भाई, क्या हाल चाल हैं आप सबके। दुआ करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। देखिए, आज मॉर्निंग वॉक जैसे डेली है, आज भी वैसे ही, लेकिन आज थोड़ा दिन, आज की सुबह थोड़ी क्लाउडी है और बारिश आने की उम्मीद है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक भाई दिखाता हूँ जिनके पास बहुत सारे बिस्किट्स हैं। भाई, आपका नाम क्या होगा? हिमांशु। भाई, ये अपने हिमांशु भाई हैं, इनके पास नहीं, वैसे ही मैं इन भाई के पास देखो इतने सारे बिस्किट्स हैं और सिर्फ जानवरों के लिए रखे हुए हैं। वहाँ पे गेट के पास डाले हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये भाई। आप कहाँ से आते हैं भाई? सेक्टर 12 में रहते हैं और सुबह डेली का काम है आपका? हाँ, मैं यहाँ पार्क आता हूँ, ये भी ले आता हूँ। भाई देखो, कहते हैं सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ और डॉगीज़ के लिए, बर्ड्स के लिए इतना सारा सामान लेके निकलते हैं। भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, सारा अच्छा काम तो यही कर रहे हैं। ये अपने हिमांशु भाई हैं, द्वारका सेक्टर 12 में रहते हैं। आप चाहे इनको देख लीजिए, कहीं भी मिलें आप भाई, इनकी भी हेल्प करें, कुछ सामान ला के दें, ये भी आगे डॉग्स को देंगे। ठीक है हिमांशु भाई, थैंक यू। भाई सब अच्छे अच्छे काम करते हैं, देख रहे हो, इन्होंने पूरी एक पॉलिथीन रखी हुई है और उसके अंदर आप देखोगे इतने सारे बिस्किट्स डाले हुए हैं इन्होंने, वहाँ गेट के पास रखे हैं। और ये देखो, ये खा रहे हैं, बर्ड्स खा रहे हैं, देख रहे हो, कबूतरों के तो आज बिस्किट्स, चाय रहेगी इनके लिए। ये देखो, तो भाई यही होते हैं बस अच्छे काम, इन्हीं चीज़ों का पुण्य लगता है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं भी लाने की, मैं तो नॉर्मली वॉक पे निकल जाता हूँ, बट ऐसे भाई लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और दूसरा देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई कह रहे हैं कि मैं डेली निकलता हूँ और इतना सामान लेके ही निकलता हूँ, क्योंकि देखो इनको भी, इनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये देख रहे हो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान हमारे हिमांशु भाई को खुश रखें। और देखो वहाँ जाके भी, देखो हर जगह जाके दे रहे हैं, अच्छा काम तो अच्छा ही होता है। और आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, तो बेटर है कि जितना अच्छा काम कर ले उतना अच्छा है। देखो अभी मुझे 5 किलोमीटर हो गए चलते चलते। अच्छा, और आजकल देखो मेरे साथ क्या हो रहा है कि पहले मैं 1-2 किलोमीटर भी चलता था ना, तो बॉडी को पता लगता था कि जैसे पता नहीं कितना चल लिया, और पैरों में दर्द होना, मसल्स पेन हो गया और जॉइंट्स पेन हो गया। बट रेगुलर बेस पे आपकी चलने की जब आदत पड़ जाएगी, तो भाई अब तो 5 किलोमीटर के, अब तो 10 किलोमीटर का भी नहीं पता लगता। 1 घंटा हो गया मुझे चलते चलते, अब पूरे 5 होने के बाद वहीं से रिटर्न, तो 10 किलोमीटर पूरे कंप्लीट हो जाते। इस टाइम मैं वेंकटेश्वर के पास में जो अपना नाला जा रहा है, हाँ, उस वाली रोड पर हूँ। भाई भाई कुछ भी कहो, लेकिन मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ, और बॉडी को भी पता लगता है। और देखो आज बिल्कुल क्लाउडी बारिश वाला मौसम और इतनी गंदी वाली हुमस है, मतलब हवा तक, पत्ता तक नहीं हिल रहा, थोड़ी सी भी हवा नहीं है।
भाई मैंने तो आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग भी मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें भाई, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आपको टाइम टू टाइमली पता लग जाएगा। सारे मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये देखो ये भाई, मैं तो सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, वो भाई देखो रनिंग कर रहे हैं, बढ़िया वाली बेनिफिट्स अपने लिए, जो करेंगे अपने लिए करेंगे। और मैं तो इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि कोई भी ऐसा हेल्थ इश्यू आपके साथ क्रिएट ना हो। अच्छा हिमांशु भाई को देखा आपने? भाई साहब पूरी पूरा पैकेट बिस्किट्स का। और भाई कह रहे हैं कि मैं डेली ये काम करता हूँ, डेली मतलब उनको पता है। और देखो उनकी वजह से कितने कितने जानवरों को खाना मिल रहा है ना, बंदे की थीम ही अलग है पूरी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई वो। अच्छा आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉर्निंग वॉक से आप लोगों को शायद ही पता हो, आपको पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से जितना आप चलेंगे मैक्सिमम 10,000 कदम अगर आप डेली का रूटीन है भाई, जॉइंट्स इतने मजबूत होते हैं, जो कट कट की आवाज़ें आती हैं ना हड्डियों में से, वो बंद हो जाती हैं और अगर आप वॉक करते हैं तो। सेकंड, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है कि पूरी बॉडी को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका कुछ महीनों बाद ही, कुछ महीनों में ही मेरे ख्याल से, डाउन हो जाता है। ओ भाई मैं तो कहता हूँ कि आदत डाल लो आप लोग भी, एक मॉर्निंग ही तो होती है जो हमारे पूरे दिन को रिफ्रेशमेंट देती है। और अगर हम उसमें भी सोए रहेंगे क्या होगा, एक घंटा लेट सो जाएंगे, मतलब क्या होता है जनरली, मतलब 6 बजे नींद खुलती है, थोड़ी सी आलस के चक्कर में हम लोग 8, 8:30 बजा देते हैं, उठना तो पड़ता ही है। तो बेटर है कि अगर आप 1-2 घंटे पहले उठ जाएँ तो भाई आप फिट भी रहेंगे और फिटनेस भी बनी रहेगी। अपना लीजिए, एक अच्छी हैबिट है। शाम के समय जो पोल्यूशन का लेवल होता है ना, अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। और मॉर्निंग में तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप 5:30, 6:30 उठेंगे और मॉर्निंग वॉक करेंगे, एयर क्वालिटी तो आप लोग जानते ही हैं, दिल्ली की तो वैसी थर्ड क्लास हो रखी है भाई, 300 पार है यार, जब मर्जी देख लो। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत अच्छी हवा मिलती भी है तो वो मॉर्निंग में मिलती है, और पूरे दिन फिर अगर हम वो भी छोड़ देंगे बेकार ही है फिर हमारे लिए। बाकी चलिए, भगवान करे आपका दिन अच्छा हो, आप लोग भी उठें जल्दी और वॉक पे जाएं। नॉट ओनली वॉक पे भाई, जो भाई जिम जाता है वो जिम जाएगा, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बट फिर भी 1 घंटा, 1.5 घंटा ज़रूरी है, तो उसकी आदत डालें, अपना ध्यान रखें, फिट रहें। गुड बाय।